जैन साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मुझे कॉल आई है झंकट बी एड कॉलेज के पास पपुआई की कि हमारे घर में कोई सांप आया हुआ। देख सकते हैं आप कोबरा बहुत ही खतरनाक अटैकिंग मोड में। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक सांप है ये, और ये स्टिक ले लेंगे। एक डब्बा दे दिया जरा ना। चल दूंगा। हाँ हाँ चल दूंगा, खोल के दे दिया। ये देखिए कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, बहुत ही खतरनाक दोस्तों, बहुत ही जहरीला होता है। इसके काटने के बाद हमारे पास सिर्फ 40 से 45 मिनट का समय होता है दोस्तों। अगर उस दौरान अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो जान बच जाती है। ये देखो, दोस्तों यह है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इसके अंदर होता न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर, बहुत ही खतरनाक। और कभी भी सांप फाइट करे सीधे हॉस्पिटल जाए, ट्रीटमेंट ले, तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ये बहुत ही जहरीला सांप है। चलो भाई, तो साथियों इसको सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। लेके चलते हैं इसको अगली मॉर्निंग इसके नेचुरल में, प्राकृतिक फॉर्म में रिलीज करने के लिए। दोस्तों एक सूजा देना भाई साहब ना, सुराख करने के लिए ऑक्सीजन के लिए। तो दोस्तों ये मेजबान है, ये माने ना हमारे घर में, ये बेचारे नादान है, आ जाते हैं ये हमारे घरों में, चूहे खाने, मेढक खाने हमारे घरों तक पहुँचते हैं। और हमारा जब तक इनके ऊपर कोई पैर नहीं पड़े या हाथ पैर या छेड़ाखानी ना हो तब तक ये बाइट नहीं करते। अगर अनजाने में किसी को बाइट हो जाती है तो दोस्तों सीधे हॉस्पिटल जाएं, ट्रीटमेंट लें, तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। बार बार हम कहते हैं गर्मी के दिन आ चुके हैं, बहुत उमस भरी गर्मी दोस्तों हो रही है, और रात को बिस्तर लगाएं तो अच्छे तरीके से झाड़ के लगाएं। कभी जूते, अगर खास तौर से अगर रात को आप जूते पहन के निकलते हैं तो जूते झाड़ के जो है निकलें, और बहुत अधिक से अधिक जो है सावधानियां बरतें, इनसे कभी जो है बचाव हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो ये अलीगढ़ से सांप अभी रेस्क्यू करके लाए हैं, उसको यहाँ पर छोड़ दिया है नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक पर्यावरण में, उसको जो है पुनर्वास के लिए। चलिए महाराज जाइए आप। ज्यादा पर ना जाकर चलिए महाराज जाइए आप, आप जाइए महाराज। दोस्तों ये महाराज जी को भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। महाराज जाइए, महाराज जाइए। और वो देखिए दोस्तों, वो अपने एनवायरनमेंट में जा चुके हैं।